हेलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर फैक्टर। इसी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि एक LCR सर्किट में पावर की क्या वैल्यू रहती है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर एसोशिएटेड विद द LCR सर्किट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर है, हमने कहा कि जो हमारी एवरेज पावर है उसकी वैल्यू होती है EV IV cos थीटा। जो हमारी एवरेज पावर है, एवरेज पावर की जो वैल्यू रहती है वो होती है EV IV cos थीटा। और ये भी हमारे यहाँ पर क्या है, एवरेज पावर। जैसे कि बच्चों मैंने आपको जिसे पहले वाली वीडियो में बताया भी था। अब यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, cos थीटा इज इक्वल टू PV / EV IV cos थीटा की वैल्यू बनेगी PAV / EV IV। अब ये जो PAV है इसे हम लोग कहते हैं ट्रू पावर। जो PAV है इसे हम लोग कहते हैं ट्रू पावर। जो EV IV है इसे उसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल पावर। और यहाँ पर जो आपको cos थीटा है इसको कहा जाता है पावर फैक्टर। जो PAV है उसको हम लोग ट्रू पावर कहते हैं। जो EV IV है उसे हम लोग वर्चुअल पावर कहते हैं। और बच्चों जो यहाँ पर cos थीटा है इसे कहा जाता है पावर फैक्टर। तो पेपर में कभी कभी जो आपका जो टॉपिक मैंने करवाया था पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट, उसमें उसी के साथ पूछ लिया जाता है कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, या पावर फैक्टर क्या है, डिफाइन पावर फैक्टर है, गिव फॉर्मूला फॉर इट। सो यहाँ पर आपको क्या डिफाइन करना है कि पावर फैक्टर यानी कि द रेशो ऑफ ट्रू पावर एंड दी वर्चुअल पावर। क्योंकि जो PAV है बच्चों उसे हम लोग डिनोट करते हैं, या उसको जो उसकी नेम जो उसको दिया जाता है वो ट्रू पावर है। और EV IV को हम लोग कहते हैं वर्चुअल पावर। देयरफॉर द पावर फैक्टर cos थीटा इज द रेशो ऑफ ट्रू पावर एंड द वर्चुअल पावर। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ द LCR रेजोनेंस सर्किट। पेपर में बहुत बार बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम का ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है एक LCR रेजोनेंस सर्किट के लिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर सर्किट और सॉरी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर द LCR रेजोनेंस सर्किट के लिए हमारे पास पावर फैक्टर या cos थीटा की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन करवा दी है ये चीज़ कि cos थीटा यानी कि पावर फैक्टर। अब ये क्या है हमारी, अगेन वही पुराना फेज डायग्राम है जो हमने मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि LCR सर्किट के लिए इस तरीके का जो फेज डायग्राम है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ अगर आप ये ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ABC, आपने ये ट्राइंगल लिया ABC, तो इस ट्राइंगल में बच्चों एक बार आप cos थीटा की वैल्यू निकाल के देखो क्या निकलेगा। हाँ जी, cos थीटा की वैल्यू में क्या निकलेगा, cos थीटा हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ER / EV। तो ये हम लोगों को क्या है, EV है। पहले मैंने बहुत बार बताया आपको फेज डायग्राम से कि ये जो वैल्यू है, ये जो AC है, ये हमारा EV है। और इस ट्राइंगल में जो बेस है उसकी वैल्यू है हम लोगों की है ER। तो cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी ER / EV। नाउ ER को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, IVR। EV को आप क्या लिख सकते हो, IV × Z। तो cos थीटा की वैल्यू आपकी कितनी बन गई, R/Z। तो ये हम लोगों का पावर फैक्टर है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एसोशिएटेड विद द LCR सर्किट। ये तो रही एक LCR सर्किट के लिए। इसे आप ऐसे लिखना ऐसे लिखिए, ऐसे लिखना ऐसे लिखिए, क्यों जेड की जगह आप लिख सकते हो √XL − XC2 + R2। आई हैव प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन द प्रीवियस वीडियो, अगेन इफ यू हैवंट नो कि कैसे आया है देन रेफर टू द प्रीवियस वीडियो। पहले वाली वीडियो देखिए आपको आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, R/Z, cos थीटा इज इक्वल टू R / √XL − XC2
प्लस आर स्क्वायर, ये तो हमारा पावर फैक्टर रहा एलसीआर सर्किट के लिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर द एलसीआर सर्किट। एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के लिए क्या वैल्यू रहेगी? सर्किट में तो अंडरस्टूड है सीएआर सीयूआईटी, कुछ भी नाम तो कुछ भी नहीं है। ये जो वैल्यू रही आपकी पावर फैक्टर की कॉस थीटा की, वो रही एलसीआर सर्किट के लिए। एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के लिए इसकी वैल्यू क्या रही है? रेजोनेंस मींस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। मैंने बताया है रेजोनेंस का मतलब होता है कि एक्सएल और एक्ससी हम लोगों का बराबर है। रेजोनेंस एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्ससी, तो अगर यहाँ पर एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाएगा तो इसकी नीचे वाली बॉटम वाली टर्म क्या बन जाएगी बच्चों? अगर आपके एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएंगे तो कॉस थीटा की बॉटम टर्म क्या वैल्यू ले लेगी? आर ले लेगी, यानी कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी आर बाय आर और कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। सो विद दिस द पावर फैक्टर ऑफ द एलसीआर सर्किट, द रेजोनेंस एलसीआर सर्किट इज इक्वल टू वन। एंड I have told you again, this is a very important topic and a very popular topic related to the board exams also. Now, moving ahead to the next, some important questions related to this unit. हाँ जी बच्चे, अब आपका पहला important question है, a coil of inductance of 1 Henry. आपके पास एक coil है जिसकी inductance 1 Henry की है, तो आपको इसके अंदर दो चीज़ों को निकालना है, कैलकुलेट करना है। At what frequency the reactance is of 3142 ohm? किस फ्रीक्वेंसी पर जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू 3142 ohm होगी? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकेंड है, what should be the capacitance of capacitor having same reactance at that frequency? Capacitance क्या होगी कैपेसिटर की जिसकी वही सेम रिएक्टेंस है उस फ्रीक्वेंसी पर, या जो फ्रीक्वेंसी आपके फर्स्ट केस में आने वाली है, यानी कि उसी का यूज़ करके आपको कैपेसिटेंस निकालनी है एक कैपेसिटर की जो वही फ्रीक्वेंसी रखता है जो इंडक्टर के केस में है या जो फर्स्ट केस में है। तो ये जो दोनों जो इसके पार्ट हैं, दोनों ही बहुत सिंपली जो हमने निकाले थे कि हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है या जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की हम लोगों ने बात की थी, उनके फॉर्मूलाज की बात की थी, उस पर बेस्ड है। हमने कहा था कि एक्सेल जो है, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, वो होता है ओमेगा एल। सो एक्सेल को आप 2 पाई न्यू एल भी लिख सकते हो। यहाँ पर न्यू की वैल्यू कितनी बनने वाली है? एक्सेल बाय में 2 पाई एल। एक्सेल आपका ओमेगा एल है, तो एक्सेल की वैल्यू आप 2 पाई न्यू एल लिख सकते हो। तो यहाँ से न्यू निकल जाएगा एक्सेल बाय में 2 पाई एल। अब यहाँ पर जो आपको वैल्यू गिवन है, आप सिर्फ उनको पुट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ऑन यूजिंग द अबव वैल्यूज आपके पास आ जाएगा एक्सेल हमारा है, 3142, 2 पाई की जगह आ जाएगा 3.142 और एल की जगह आ जाएगा 1। तो हमारी न्यू की या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इसमें बनने वाली है 500 हर्ट्ज़। तो पहले केस में हम लोगों ने सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला है कि एक्सेल हम लोगों का 2 पाई न्यू एल के बराबर होता है, उसका हम लोगों ने यूज़ किया है और हमारी जो वैल्यू निकली है वो है 500 हर्ट्ज़। सेकेंड में हम लोगों को कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो निकालनी है। एक्सी की वैल्यू होती है 1/2 पाई न्यू सी, तो सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/2 पाई न्यू एक्स सी, 1 का 1 डिवाइड बाय में 2 × 3.142 × 500 × द वैल्यू ऑफ हेयर, ये एक्सी है आपके पास, तो जो आपकी एक्सी की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या रहेगी? अगेन 3142 ही रहेगी। तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 0.01 माइक्रोफैरेड। अब सेम वैल्यू मैंने यहाँ पर क्यों ली है? क्योंकि इसने बोला है अ कैपेसिटर हैविंग द सेम रिएक्टेंस, यानी जो वैल्यू आपने एक्सेल की ली है वही आपको एक्स सी की वैल्यू लेनी होगी। तो मैंने 2 का आपका 2 हो गया, पाई की जगह 3.142, न्यू की जगह 500 एंड एक्स सी की जगह 3142। सो ऑन सॉल्विंग दिस आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट आज क्वेश्चन देखा कि अगर आप लोगों को वैल्यू दी गई है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की, या फिर अगर आपको वैल्यू दी जाती है
किसी तीन चार में से किन्हीं तीन पैरामीटर्स की, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक्सएल न्यू और एल, ये तीन पैरामीटर्स हैं, टू और पाई टू हमारे कॉन्स्टेंट्स की तरह करेंगे, तो अगर किन्हीं दो पैरामीटर्स की वैल्यू आपके पास है तो आप थर्ड की निकाल सकते हो, जो बहुत सिंपल सा और एक अंडरस्टूड सा कॉन्सेप्ट है। नाउ आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एक 15 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर है जो कि 220 वोल्ट जो हमारी सप्लाई है और 15 चार्ज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो आपको इस क्वेश्चन में पीक करंट की वैल्यू को निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीक करंट को हम लोग आई नोट से दिखाते हैं या डिनोट करते हैं, तो इसमें आप लोगों को पीक करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नाउ कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दी गई है 15 माइक्रोफेरेड यानी कि 15 × 10⁻⁶ फेरेड। ईवी की वैल्यू है आपके पास 220 वोल्ट्स और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आपकी है 50 हर्ट्ज़। नाउ एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, एक कैपेसिटिव सर्किट है तो आप कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू का यहाँ पर यूज़ होगा। एक्ससी की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/ωc या फिर 1/2πμc। तो आपकी जो पैरामीटर्स हैं, जो आपका एक टर्म है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये बन जाएगी 1/2 × 22/7 × frequency is 50 hertz × capacitance is 15 × 10⁻⁶। अगेन एक्ससी आपका होता है 1/2πμc, सो ऑन यूजिंग दी अबव वैल्यूज आपके पास आ जाएगा 1/2 × 22/7 × 50 × 15 × 10⁻⁶। यानी एक्ससी की वैल्यू आपकी कितनी बन गई, 212.1 ओम। अब आईवी कितना होता है भाई, ईवी बाय में एक्ससी, आईवी हमारा होता है ईवी बाय में एक्ससी, तो ईवी की जगह आप 220 ले लीजिए और एक्ससी की जगह आप ले लीजिए 212.1 ओम, जो भी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने जो यहाँ पर एक्ससी की वैल्यू को निकाला है उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और हमारी आईवी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, मैंने पहले भी कहा है आपको कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को हम लोग आईवी से डिनोट करवाते हैं, जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है उसकी वैल्यू बन जाएगी 1.037 एम्पियर। अब आईवी जो आरएमएस जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, आईवी इज इक्वल टू I0/√2 होता है हमारे पास, IV = I0/√2। तो आपकी यहाँ पर पीक करंट यानी कि I0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 × IV विच बिकम्स 1.414 × 1.037 विच रिजल्ट टू 1.47 एम्पियर। तो यहाँ पर आपकी जो पीक करंट की वैल्यू है बच्चों वो आ जाती है 1.47 एम्पियर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, हमें पीक करंट यानी कि आई नोट को निकालना था। आई नोट को निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और हमें इस आई नोट को निकालने के लिए आई वी चाहिए था, आई वी हम लोगों ने ई वी बाई एक्ससी फॉर्मूले से निकाला, और क्योंकि आई वी निकालने के लिए हम लोगों को एक्ससी चाहिए था तो एक्ससी हम लोगों ने 1/ωc या 1/2πμc फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर बच्चों निकाला है। विद दिस हम लोगों ने आज कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ा है, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो के साथ रेगुलर हो जाइए, बी रेगुलर विद द वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम, थैंक यू। कुछ मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी, वो आप अपनी कॉपी में खुद सॉल्व कीजिएगा एंड कम्प्लीट देम इन योर फेयर नोटबुक्स।